नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम सिंह के साथ इंडिया समाचार। यूपी के जनपद सुल्तानपुर थाना बल्दीराय के रैचा गांव की, जहां कुछ साल पहले संतोष कुमार को दबंगों ने लाठी डंडे व धारदार हथियारों से पीट पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद मुकदमों में सुलह करने के दबाव को लेकर अभियुक्त रत्नेश पाठक, मदन पाठक व उनके साथी अनिल यादव सहित कई लोगों ने पीड़िता को जान से मारने की धमकी दे दी। कई वर्ष बाद पीड़िता पति की हत्या के बाद अपने घर में निवास करने आई थी। घर पहुंचते ही दबंगों ने महिला को मुकदमे में सुलह करने के लिए दबाव बना दिया और कहा कि मुकदमे में सुलह नहीं करोगी तो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को जान से मार दूंगा। पीड़िता महिला गीता पांडे पुलिस अधीक्षक सुल्तानपुर से न्याय की गुहार लगा रही है। अभी तक पीड़ित परिवार को पुलिस विभाग द्वारा कोई सुरक्षा नहीं दी गई है, जिसे लेकर महिला डरी और सहमी है। आइए चलते हैं हम हमारे संवाददाता हरेंद्र प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट पर। क्या मामला है? मेरा नाम राजा पांडे, मेरे पिता का नाम संतोष कुमार पांडे है। मेरे पिता को सब लोग ने रत्नेश अनिल यादव ने डंडे और लाठी से पीट पीट को मार डाला है और अब हम 2 साल बाद अपने घर पे रहते हैं और आते हैं। 3 दिन से लगातार आते हैं और हमें धमकी देकर कहते हैं कि सुलह कर लो वरना हम मार डालेंगे। और थाना में हमारी मम्मी रिपोर्ट करी है, वहाँ से सुनवाई नहीं हो रही है।